नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपका हिंदी की कक्षा में। तरंग हिंदी पाठ्य पुस्तक बाय ब्रेन रूट सीरीज से हम आ गए हैं पाठ संख्या 15 पर, और पाठ संख्या 15 का शीर्षक है हंसने वाली मछली। चित्र पर आधारित गतिविधि। दिए गए चित्र को देखो और बताओ कि बकरी, कुत्ते और किसान में आपस में क्या संबंध हो सकता है। तो चलिए, आपको ये बताना है बच्चों, और हम करते हैं पाठ में प्रवेश। इस पाठ का शीर्षक है हंसने वाली मछली, अर्थात एक ऐसी मछली जो हंसती है। इस लोक कथा में मछली वाली की टोकरी की मछली रानी की बात सुनकर हंस पड़ती है, जिसे एक बड़े राज का पता चलता है। आइए शुरू करते हैं। बहुत पहले की बात है, कश्मीर की खूबसूरत घाटी में एक राजा राज करता था। राजा का महल झेलम नदी के किनारे था। एक दिन राजा की रानी महल के झरोखे से बाहर देख रही थी। उसने एक मछली बेचने वाली को देखा, जो मछलियों से भरी टोकरी लेकर शहर में बेचने जा रही थी। रानी ने मछली वाली को ऊपर बुलाया। मछली वाली ने अपनी टोकरी नीचे रखी। टोकरी में ऊपर ही एक बहुत बड़ी मछली थी। यह मछली नर है या मादा? अगर मादा होगी तो मैं ले लूंगी, रानी बोली। रानी का इतना कहना था कि मछली जोर से हंसी और टोकरी में नीचे चली गई। रानी और मछली वाली दोनों मछली के हंसने से डर गईं। मछली वाली ने जल्दी से टोकरी उठाई और वहां से चल दी। रानी सोच में पड़ गई। मछली को हंसते हुए तो ना कभी देखा ना सुना, जरूर यह कोई विशेष मछली होगी। जब तक मछली के हंसने के रहस्य का पता नहीं लगा लूंगी, चैन से नहीं बैठूंगी। शाम को जब राजा महल में आए तो रानी ने मछली की हंसी के विषय में बताया। मछली आपकी बात सुनकर हंसने लगी, यह तो बड़े अचरज की बात है, राजा बोले। मैं कुछ नहीं जानती मछली क्यों हंसी, इसका पता आपको लगाना पड़ेगा, रानी ने जिद की। दूसरे दिन राजा का दरबार लगा था। राजा ने सारी बात बताई और बोले, क्या कोई बता सकता है कि मछली क्यों हंसी? जब कोई कुछ नहीं बोला तो राजा ने अपने वजीर से कहा कि 6 माह के अंदर वो मछली के हंसने का कारण पता लगाकर बताएं। वजीर उसी दिन से मछली के हंसने का कारण पता करने में लग गए। बड़े बड़े ज्ञानी पंडितों से, जादूगरों से, साधु संन्यासियों से सबसे पूछा, कोई कुछ नहीं बता सका। तो राजा को पता करना था बच्चों कि मछली क्यों हंसी, और उस कार्य का भार उन्होंने वजीर पे डाल दिया। 5 महीने निकल गए और वजीर कुछ पता नहीं लगा सके। उन्होंने अपने बेटे सुलेमान को बुलाया और कहा, बेटे मुझे निश्चित ही कठोर दंड मिलेगा, मैं मछली के हंसने का कारण पता नहीं लगा पा रहा हूँ। कहीं राजा का क्रोध तुम पर भी ना उतरे, इसीलिए तुम यहाँ से चले जाओ। सुलेमान ने कहा, मैं आपको अकेला छोड़कर नहीं जाऊँगा। वजीर ने उसकी एक नहीं सुनी और समझा बुझाकर सफ़र पर भेज दिया। सुलेमान को चलते चलते रास्ते में एक किसान मिला। किसान शहर से अपने गांव जा रहा था। वह भी किसान के साथ साथ चलने लगा। थोड़ी देर चलने के बाद सुलेमान बोला, देखिए चलते चलते हम दोनों थक गए हैं, ऐसा करते हैं कि आधे रास्ते आप मुझे लेकर चलिए और आधे रास्ते मैं आपको लेकर चलता हूँ, इस तरह से रास्ता आसानी से कट जाएगा। किसान उसकी बात सुनकर अचकचा गया, कैसी बेवकूफ़ी की बात है। किसान ने सोचा और चुपचाप आगे बढ़ता रहा। थोड़ी देर में वे एक पहाड़ी के ऊपर थे। नीचे झेलम नदी की पतली धार दिखाई दे रही थी और ऊपर देवदार के पेड़ों का जंगल। दोनों एक पत्थर पर बैठकर सुस्ताने लगे। सुलेमान ने जेब से एक चाकू निकाला
और उसे किसान को देकर बोला, आप यह चाकू लीजिए और जंगल से दो घोड़े ले आइए। या तो यह खुद पागल है या मुझे पागल बना रहा है, किसान बड़बड़ाया। थोड़ी देर में फिर से दोनों चल दिए। कुछ देर बाद दोनों एक खेत में पहुंचे। खेत में पकी हुई फसल कटने के लिए तैयार खड़ी थी। कितनी अच्छी फसल है, किसान फसल देखकर बोला। हाँ वह तो है, पर पता नहीं फसल खा ली गई है या बची है, सुलेमान ने जवाब दिया। क्या मतलब है तुम्हारा? देख रहे हो फसल अभी कटी नहीं है और तुम कह रहे हो खा ली गई है, किसान गुस्से से बोला। मैंने तो यूं ही कह दिया, सुलेमान बोला। दोनों चुपचाप आगे बढ़ने लगे। गांव के पास पहुंचकर किसान बोला, मेरे घर चलो, कुछ खा पी कर और आराम करके आगे के सफ़र पर निकल जाना। लेकिन क्या आपके घर की छत इतनी मजबूत है कि आप मुझे अपने घर ले जा सकें? सुलेमान ने जवाब दिया। अब किसान अपने गुस्से पर काबू नहीं रख सका और बोला, मैंने तो शराफत के नाते अपने घर आने की दावत दी थी, नहीं आना है तो मत आओ, पर मेरा अपमान तो मत करो। इतना कहकर किसान अपने घर की तरफ चल दिया। किसान की एक बेटी थी गुलनार, बहुत समझदार और चतुर। जब उसने अपने पिता का गुस्से से तमतमाता चेहरा देखा तो बोली, अब्बू क्या बात है, किस पर इतना नाराज हो रहे हैं? अरे एक लड़का है, रास्ते में मेरे साथ हो लिया और फालतू बातें करता रहा। अब मैंने जब शराफत के नाते घर आने की दावत दी तो कहता है क्या मेरे घर की छत मजबूत है? किसान बोला। अपने पिता की बात सुनकर गुलनार हंसने लगी। अरे अब्बू, छत कमज़ोर होने से उसका मतलब रहा होगा कि आपकी हैसियत ऐसी है कि आप उसकी खातिरदारी कर सकेंगे, ज़रूर वह किसी अमीर घराने का होगा। किसान ने सोचा तो उसे गुलनार की बात ठीक लगी। अच्छा बेटी, तो ज़रा उसकी उन बातों का भी मतलब बताओ जो वह रास्ते भर करता आया है। और किसान ने रास्ते का सारा हाल उसे बताया। गुलनार थोड़ी देर सोचती रही, फिर बोली, अब्बू यह लड़का बहुत समझदार और बुद्धिमान है, उसकी हर बात में एक मतलब छिपा है। जब उसने कहा कि आधे रास्ते आप मुझे ले चलें और आधे रास्ते वह, तो उसका मतलब था कि आधे रास्ते आप उसे कोई कहानी सुनाइए और आधे रास्ते वह सुनाएगा, इस तरह रास्ता आराम से कट जाएगा और किसी को थकान महसूस नहीं होगी। और घोड़े? किसान बोला। घोड़ों से उसका मतलब असली घोड़ों से नहीं था, उसका मतलब था कि जंगल से लकड़ी की दो मजबूत टहनियाँ काट कर ले आइए जो छड़ी का काम देंगी। चलते चलते थक जाने पर छड़ी का सहारा किसी घोड़े से कम नहीं होता। और फसल खाली गई है से उसका मतलब था कि कहीं किसान ने साहूकार से कर्ज तो नहीं लिया है, अगर लिया होगा तो सारी फसल साहूकार उठा ले जाएगा, किसान को तो कुछ नहीं मिलेगा। अरे यह लड़का तो सचमुच में बहुत अकलमंद है, मैं अभी उसे लेकर आता हूँ, किसान कहकर किसान घर से निकल गया। कुछ देर बाद किसान उसे ले आया। सब एक साथ खाना खाने बैठे। खाना खत्म होने के बाद गुलनार ने सबको कहवा दिया। कहवा पीते पीते सुलेमान ने अपने पिता और मछली की हंसी के बारे में बताया और बोला, अगर जल्दी ही मछली की हंसी का रहस्य नहीं खुला तो मेरे अब्बू की जान चली जाएगी, क्या आप कुछ मदद कर सकती हैं? गुलनार चुप होकर थोड़ी देर सोचती रही। कुछ देर में उसके होठों पर मुस्कान आ गई। चलिए मैं भी आपके साथ चलती हूँ, मछली के हंसने का रहस्य मैं राजा को ही बताऊंगी, वह बोली। सुलेमान गुलनार के साथ उसी वक्त अपने नगर की तरफ चल दिया। उसके पिता चिंता के मारे खाट से लग गए थे। सुलेमान को देखकर बोले, तुम क्यों आ गए? मैंने तुम्हें आने से मना किया था,
अबू आपकी चिंता खत्म हुई, गुलनार मछली की हंसी का रहस्य समझ गई है। आप हमारे साथ फौरन राजा के पास चलिए। वे सभी राजा के पास पहुंचते हैं। क्यों वजीर, मछली क्यों हंसी कुछ पता चला? राजा ने पूछा। हाँ महाराज, इसका उत्तर यह लड़की देगी। वजीर बोला, महाराज आपके महल में एक पुरुष स्त्री के वेश में रहता है। यह बात उस मछली को पता थी, इसीलिए वह हंसी थी। गुलनार ने बताया। हमारे महल में पुरुष? असंभव, राजा बोला। महाराज अभी इसका फैसला हो जाता है, गुलनार ने जवाब दिया। अब उसने एक बड़ा सा गड्ढा खुदवाया, फिर महल की सारी दासियों को उस गड्ढे को कूदकर पार करने के लिए कहा। कोई भी दासी उस गड्ढे को पार नहीं कर सकी, सिवाय उस दासी के जो असल में एक पुरुष था। वह एक चोर था और राजा के महल में चोरी करने के इरादे से रह रहा था। राजा ने उसे कारागार में डलवा दिया। राजा ने गुलनार को बहुत सारी धन दौलत इनाम में दी और उसकी बुद्धिमानी की सराहना की। यह कश्मीरी लोक कथा लिखी गई है गिरिजा रानी अस्थाना द्वारा। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। यहाँ है हमारे पास कठिन शब्द जो आपको लिखने हैं अपनी पाठ्य पुस्तिका में। कश्मीर, खूबसूरत, रहस्य, पंडित, सन्यासी, बड़बड़ाना, शराफत, हैसियत, बुद्धिमानी, अक्लमंद, गड्ढा, गुलनार। और अब है शब्द अर्थ। राज मतलब शासन, खातिरदारी का अर्थ है सेवा सत्कार। रहस्य भेद या राज, अक्लमंद बुद्धिमान, चैन आराम, कहवा कश्मीर में पिया जाने वाला चाय जैसा पेय, अचकचाना भौचक्का रह जाना चकित, असल वास्तव में सुस्ताना आराम करना, कारागार जेल, काबू नियंत्रण, सराहना प्रशंसा, हैसियत क्षमता। अब हम करते हैं बात पाठ की। बताओ क्या पढ़ा? राजा का महल किस नदी के किनारे था? झेलम नदी के किनारे था। रानी ने राजा को क्या बताया? रानी ने राजा को मछली की हंसी के बारे में बताया। सुलेमान ने किसान को चाकू देकर क्या कहा? सुलेमान ने किसान को चाकू देकर कहा, जाओ जंगल से दो घोड़े पकड़ लाओ। किसान सुलेमान को लाने के लिए घर से क्यों निकला? जब गुलनार ने किसान को सुलेमान की बातों का अर्थ बताया, तब किसान सुलेमान को लाने के लिए घर से निकला। राजा ने गुलनार को किस तरह सम्मानित किया? राजा ने गुलनार की बहुत प्रशंसा की और उसे बहुत अधिक धन दौलत पुरस्कार स्वरूप दी। प्रश्न नंबर दो है बच्चों, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाओ। मछली के हंसने से कौन डर गया? मछली वाली और रानी दोनों। राजा ने मछली की हंसी का रहस्य पता लगाने का काम किसे सौंपा? वजीर को। नीचे नदी की पतली धार दिखाई दे रही थी और ऊपर देवदार के पेड़ों के जंगल थे। कहानी की घटनाओं के अनुसार सही क्रम संख्या लिखो। तो यहाँ पर बच्चों कुछ कहानी की घटनाएं हैं और यहाँ मैंने लिखी है सही क्रम संख्या, तो आप इसे अपनी पुस्तक में या पाठ्य पुस्तक में उतार लेंगे। रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। कश्मीर की खूबसूरत घाटी में एक राजा राज करता था। मछली को हंसते हुए देख रानी और मछली वाली डर गई। आगे चलते हैं। सुलेमान को रास्ते में एक किसान मिला। गुलनार बहुत समझदार और चतुर थी। मछली के हंसने का राज गुलनार ने बताया। प्रश्न संख्या 5 है, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखो। खाना खत्म होने के बाद गुलनार ने सबको कहवा दिया। कहवा पीते पीते सुलेमान ने अपने पिता और मछली की हंसी के बारे में बताया और बोला,
अगर जल्दी ही मछली की हंसी का रहस्य नहीं सुलझा तो मेरे अब्बू की जान चली जाएगी, क्या आप कुछ मदद कर सकती हैं? सुलेमान की चिंता का कारण क्या था कि अगर मछली की हंसी का राज नहीं पता चला तो राजा द्वारा उसके अब्बू की जान चली जाएगी। गुलनार ने अपने घर आए अतिथि का सत्कार किस तरह किया? गुलनार ने अपने घर आए अतिथि को भोजन दिया और भोजन के पश्चात कहवा दिया। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। मछली बेचने वाली को देखकर रानी ने क्या किया? मछली बेचने वाली को देखकर रानी ने उसे ऊपर बुलाया क्योंकि वह मछली खरीदना चाहती थी। मछली को देखकर रानी सोच में क्यों पड़ गई? मछली को देखकर रानी सोच में इसीलिए पड़ गई कि वह नर है या मादा, क्योंकि रानी को मादा मछली चाहिए थी। वजीर ने अपने बेटे को बचाने के लिए क्या किया? वजीर यह जानता था कि यदि मछली के हंसी के रहस्य का खुलासा ना हुआ तो राजा उसे दंड देंगे, हो सकता है वह दंड उसके बेटे को भी मिले। अतः अपने बेटे को बचाने के लिए वजीर ने उसे कहीं दूर भेज दिया। गुलनार कौन थी? उसने अपने पिता से क्या पूछा? गुलनार किसान की बेटी थी, उसने अपने पिता से उनके क्रोध का कारण पूछा। सुलेमान ने अपने पिता की चिंता कैसे दूर की? जब गुलनार ने कहा कि मैं मछली के हंसने का रहस्य राजा को बताऊंगी, तब सुलेमान गुलनार को अपने पिता के पास ले गया और इस प्रकार उसने अपने पिता की चिंता दूर की। गुलनार ने स्त्री वेश में छिपे पुरुष का पता कैसे लगाया? गुलनार ने स्त्री वेश में छिपे पुरुष का पता ऐसे लगाया कि उसने एक बहुत बड़ा गड्ढा खुदवाया और रानी की सभी दासियों से कहा कि वे इस गड्ढे को कूदकर पार कर जाएं। सभी दासियां ऐसा नहीं कर पाई, बस वो दासी जो पुरुष वेश में थी वह उस गड्ढे को पार करने में सफल हो सकी और इसी प्रकार उसका पर्दा फाश हुआ। क्या आप भी मानते हैं कि गुलनार बहुत ही समझदार और चतुर थी और क्यों? जी हाँ, हम मानते हैं कि गुलनार बहुत ही समझदार और चतुर थी, क्योंकि उसने किसान से जो भी बातें सुलेमान ने कही उन सभी का अर्थ किसान को समझाया और साथ ही साथ उसी ने मछली के हंसने का रहस्य भी राजा के सामने खोला। आभार बच्चों, मिलते हैं नए पाठ के साथ।